सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी की फिर से मेरे इस पबजी मोबाइल की एक और नई वीडियो में। सो गाइस, इसमें आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग जो है अपना पबजी मोबाइल का 100 आरपी कर सकते हो। क्योंकि यार आपको पता है जब से सीज़न 17 रॉयल पास आया और जब से हम लोग यहाँ पे जो है आरपी वाला सेक्शन जो है एकदम चेंज कर दिया है। पहले हम लोग सीज़न से मिशन करके जो आरपी कलेक्ट कर लेते और हमारी लास्ट तक 100 आरपी हो जाती, लेकिन अब तो हम लोग देखोगे तो यार रॉयल पास में आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह से सीन दे दिया गया कि आपको यहाँ पे जो है कुछ गेम जो है मिनट गेम खेलना होता है एंड उससे जाके आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही आपको कुछ मिशन करने होते हैं और साथ ही आपको जो है यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं जो कि तुम लोगों को यहाँ पे छोटे छोटे मिशन मिलते हैं, वो लोग आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करके इनको जो कलेक्ट कर सकते हो। तो अगर तुम लोग इनमें से कोई भी एक स्किप कर दोगे तो तुम लोगों को यहाँ पे आरपी 100 नहीं होगा अगर आप लोग रॉयल पास परचेस करते हो तो। बाकी जो लोग भी रॉयल पास को परचेस नहीं करते तो उनको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा, वो तो वैसे भी उनको 100 आरपी नहीं होता, लेकिन जो लोग भी रॉयल पास को परचेस करते हैं उनके लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकता है कि अगर वो यहाँ पे मतलब किसी भी मिशन को स्किप कर देते हैं। तो चलो मैं आपको बता दूँ कि आपको कैसे करना है और जब जाके आपका जो लास्ट में 100 आरपी हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मिशन की तो यहाँ पे देखो आपको कहाँ कहाँ पर पॉइंट मिलते हैं। तो देखो सबसे पहले जो आपको पॉइंट मिलते हैं वो आपको यहाँ पे मतलब जो है वीकली मिशन मिलते हैं, जैसे कि आपको वीक 1 वीक 2 के जो भी मिशन मिलते हैं वहाँ पे आपको मिशन मिल जाते हैं। साथ ही आपको देखोगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलते हैं, 70 पॉइंट करके आपको यहाँ पे मिलते हैं। लास्ट आपको 3000 मिनट गेम खेलना होता है तब जाके आपको यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे जो 70 पॉइंट मिल रहे हैं वो आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे। तो देखो कोई आप लोग यहाँ पे 100 से लेके आपको यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है, जैसे कि मैं आपको ऊपर से दिखाऊं और सबसे लास्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पे 3000 यानी कि आपको 3000 मिनट गेम खेलना होगा तब जाके आप लोग इन सारे पॉइंट को कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अगर तुम लोग यहाँ पे 3000 को यहाँ पे 70 मतलब काउंट करोगे तो हम लोग यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काउंट करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आपको 21 आपका यहाँ पे आरपी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे 21 आरपी मिल जाएगा आपके सीजन एंड होने से पहले। आपको ये सारे मतलब यहाँ पे आपको जो है 3000 मिनट गेम खेलना होगा और तब तक आप लोग यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर पाओगे। बाकी आप देखो तो अगर वीक 1 वीक 2 के अंदर आपको जो भी मिशन मिलेंगे वो आपको जो है हर वीक मिलते हैं आपको पता है, तो आपको अगर एक वीक का आप काउंट करोगे तो आप लोग यहाँ पे बैठेंगे आपके लगभग जो है मतलब आपके यहाँ पे आपको जो है लगभग 725 पॉइंट आपको एक वीक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इनको काउंट करोगे तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो 75 आरपी का मिशन है और एक और जो है 75 आरपी का और यहाँ पे 150 आरपी 75 आरपी, तो अगर इन सबको तुम काउंट करोगे तो ये तुम लोगों को यहाँ पे 725 पॉइंट यहाँ पे आपको बैठेंगे। ठीक है, आरपी पॉइंट, तो अगर 725 पॉइंट को आप लोग 8 वीक के यहाँ पे जोड़ोगे तो आप लोग यहाँ पे लगभग जो है 58 आरपी बैठ जाएगा, क्योंकि आप लोग इनके जो है 8 वीकों के मिशन कंप्लीट करोगे तो आप लोग यहाँ पे 58 आरपी इस जो है मिशन से हो जाएंगे वीक मिशन से। ठीक है, तो 58 हमारे ये हो गए और 21 हमारे ये वाले हो गए हमारे जो मतलब मिनट वाले। ठीक है, जब हम 3000 मिनट खेलेंगे तो हमको 21 आरपी यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, 21 और 58 आप लोग इनको जो है जोड़ लेना है। बाकी हम लोग चलते हैं जो है मिशन के अंदर, जो हमारे छोटे वाले मिशन है तो उनके अंदर, तो ये एक वीकली मिशन है तो आप लोग जो है ये मिशन आप लोग जो है करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये जो है वीकली चेंज होते हैं। अगर आप एक वीक के अंदर इनको नहीं करोगे तो ये चेंज हो जाएंगे और उसके बाद ये मिशन जो आपको नहीं मिलेंगे नेक्स्ट वीक वाले। ठीक है, तो ये मिशन आप लोगों को जो है हर वीक जो कंप्लीट करने ही करने हैं। तो आपको यहाँ पर कितने पॉइंट मिलेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूँ। तो अब तुम लोग देखो यहाँ पे 50 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, पहले आपको यहाँ पे 30 पॉइंट मिल रहे हैं, फिर उसके बाद आपको 40 मिल रहे हैं, फिर 50 और फिर 60। तो यार हर मतलब वीक के अंदर आपको ये तरीके इस तरीके से आपको जो है मिशन मिलते जाएंगे और आपको यहाँ पे जो है मतलब इनको कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, इनको जो है कलेक्ट करते जाना है और यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको मिशन भी मिलने छोटे, तो इन सब मिशन को आप लोग जब कंप्लीट करोगे तभी जाके आपको ये सारी मतलब लाइन पूरी होगी और आप यहाँ पे इन सारे जो भी पॉइंट को कलेक्ट कर पाओगे। तो अगर हम लोग इसका भी 8 वीक का जो टोटल करें तो आपको यहाँ पे लगभग 14 आरपी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी काउंट करके रखा हुआ 14 आरपी प्लस आपको 40 पॉइंट इससे मिल जाएगा 8 वीक के अंदर, और बाकी बचे हमारे कुछ और आरपी तो यहाँ पे तुम्हें तो तुम लोगों को जो है डेली 10 पॉइंट मिलते हैं इसी के नीचे। तो अगर आप लोग जो है मतलब 8 वीक का जोड़ोगे मतलब 10 पॉइंट डेली तो आप लोग यहाँ पे लगभग 5 आरपी और प्लस 60 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, और उन सारी चीज़ों को अगर आप लोग काउंट करते तो आप लोगों को यहाँ पे टोटल आपको 98 आरपी और प्लस आपको 1 आरपी जो मैंने आपको पॉइंट वाला बताया उस तरीके से आप लोग यहाँ पे पूरे 99 आरपी आपके यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, और 99 आरपी होने के बाद आपको पता है कि हम जब भी रॉयल पास को ओपन करते तो हमको यहाँ पे जब हम लोग परचेस करें या फिर नहीं करें तो हमको रॉयल पास के अंदर फर्स्ट आरपी आपको देखने को मिलता है पहले से ही, उसके लिए हमको कोई भी मिशन नहीं करना होता। ठीक है, तो एक आरपी आपको ऑलरेडी पहले से मिलता है और आपको यहाँ पे 99 आरपी आपको यहाँ पे सारे मिशन कर लेते तो आपके हो जाते हैं और इस तरीके से आपके पूरे 100 आरपी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी भी मतलब कुछ आपको डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और एक बार मैं आपको फिर से रिवीट करा देता हूँ। तो देखोगे तो आपको यहाँ पे 3000 मिनट मिलते हैं, तो 3000 मिनट का आप अगर काउंट करोगे 70 पॉइंट तो आप लोग यहाँ पे हो जाते हैं 21 आरपी। ठीक है, 21 आरपी आपके हो जाते हैं।
बाकी अगर तुम लोग देखो तो वीक वाले मिशन तो यहाँ पे आपको 8 वीक मिलते हैं, और 8 वीक के अगर आप लोग काउंट करोगे 725 पॉइंट आपको 1 वीक में मिलते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे टोटल जो है 58 RP आपको 8 वीकों के 8 वीक के आपको मिल जाते हैं देखने को यहाँ पे, ठीक है। तो 58 और 21 आप काउंट कर सकते हो, और उसके बाद आपको यहाँ पे 14 RP आपको यहाँ से मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया वीकली मिशन के अंदर से। यहाँ पे आपको ये साइड में जितने भी पॉइंट मिलते हैं, तो आपको हर वीक यहाँ पे जो पॉइंट जो कलेक्ट करने हैं मिशन को करके, जो भी आपको यहाँ पे मिशन दिए हैं छोटे छोटे, इनको करके आप लोग इन सारे मिशन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, और इनको कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ से जो है 14 RP आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, 14 RP प्लस 40 पॉइंट। और बाकी बात करते हैं इनके जो 10 पॉइंट की और की, तो आपको यहाँ पर डेली 10 पॉइंट भी मिलेंगे, तो इनको अगर तुम लोग काउंट करोगे मतलब 8 वीक के अंदर, तो आपको 5 RP प्लस 60 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आप लोग इन सारी चीज़ों को काउंट करोगे तो आप लोग को यहाँ पे जो है 99 RP हो जाएगा, प्लस 1 RP आपको रॉयल पास के अंदर पहले से आपको देखने को मिलता है। और इस तरीके से आप लोग अपने रॉयल पास की पूरी 100 RP कर सकते हो, ठीक है। और आई होप कि तुम लोग जो है इजी तरीके से समझ चुके हो, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे मतलब नोट करके रखा हूँ वो सारी चीज़ों को, मतलब काउंट किया हूँ, और उसके मुझको पता लगा कि हाँ पूरी 100 RP हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं है तो यार प्लीज़ कमेंट में जरूर पूछ लेना मुझसे, मैं आपको वहाँ पर जो है तुरंत बता दूँगा, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो पर, तब आपसे फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।